फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 का सीजन शुरू होने में भी 8 से 10 दिन का समय बचा है, लेकिन अब लगभग 2 दिन बाद आईपीएल के प्रैक्टिस मैच शुरू होने वाले सभी आईपीएल टीमों के बीच हमें वार्म अप मैचेस देखने को मिलेंगे। इवन बीसीसीआई और दुबई गवर्नमेंट और दुबई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन वार्म अप मैचेस की परमिशन मिल चुकी है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर 2 दिन बाद किस तरीके से आईपीएल के वार्म अप मैचेस होंगे, कौन कौन सी टीमों के बीच वार्म अप मैचेस होंगे और इन मैचेस की क्या टाइमिंग रहेगी, भारतीय समय अनुसार ये मैचेस किस टाइमिंग पर होंगे, इसके साथ ही कौन से स्टेडियम में ये मैचेस होंगे और टीवी पर ये मैचेस टेलीकास्ट होंगे या फिर नहीं, मैं आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को हमेशा की तरह आप अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन के लिए सभी 8 आईपीएल टीमें अलग अलग लोकेशन पर रुकी हुई है। जहां पर अगर हम बात करें आईपीएल की 6 टीमों की तो वो दुबई में रुकी हुई है, और अगर हम बात करें एमआई और केकेआर की तो ये दोनों टीमें फिलहाल आबू धाबी में रुकी हुई है। इसी वजह से इन सभी टीमों के ट्रेवलिंग डिस्टेंस को देखकर बीसीसीआई ने आईपीएल के प्रैक्टिस मैचेस का शेड्यूल जारी किया था। अब बात करते हैं कि सभी आईपीएल टीमों के बीच हमें कौन कौन सी तारीख को आईपीएल के प्रैक्टिस मैचेस यानी वार्म अप मैचेस देखने को मिलेंगे, और इसके बाद बात करेंगे कि आखिर ये मैचेस टीवी पर टेलीकास्ट होंगे या फिर नहीं। अगर हम बात करें सबसे पहले वार्म अप मैच की, तो जो सबसे पहला आईपीएल का वार्म अप मैच होगा वो 11 सितंबर को शुरू होगा। दरअसल 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच सभी आईपीएल टीमों के दो दो वार्म अप मैचेस होने हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले वार्म अप मैच की, तो 11 सितंबर को दो वार्म अप मैचेस होंगे। जो पहला मैच होगा वो सीएसके और आरसीबी के बीच दुबई में होगा, जबकि जो दूसरा मैच होगा वो भी पंजाब और एसआरएच के बीच दुबई में होगा। दरअसल दुबई में जो दो स्टेडियम्स हैं उन्हीं स्टेडियम्स में ये मैचेस होने हैं, और दोनों ही मैचेस इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 बजे के बाद शुरू होंगे, और अगर दुबई का हम टाइम देखें तो शाम 6 बजे बाद शुरू होंगे। इसके साथ ही जो अगले दिन यानी 12 तारीख को जो प्रैक्टिस वार्म अप मैचेस होंगे, इनमें जो पहला मैच होगा वो राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में होगा, जबकि जो दूसरा मैच होगा वो एमआई और केकेआर के बीच आबू धाबी में होगा। दरअसल सभी मैचेस शाम को 7:30 बजे के करीब ही शुरू होंगे, क्योंकि करंटली दुबई, शारजा और आबू धाबी में काफी अधिक धूप दिन में होती है। इसी वजह से सभी टीमें फिलहाल शाम को आईपीएल का प्रैक्टिस कैंप लगाती है। दिन में किसी भी टीम ने अब तक प्रैक्टिस कैंप या फिर प्रैक्टिस सेशन नहीं किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे दिन की, तो जो 13 सितंबर को वार्म अप मैचेस होंगे, वो पहला मैच होगा वो सीएसके और हैदराबाद के बीच होगा, जबकि जो दूसरा मैच होगा वो पंजाब और आरसीबी के बीच, दोनों ही मैचेस दुबई में होंगे। इसके साथ ही जो आखिरी दिन यानी 15 सितंबर को जो वार्म अप मैचेस होंगे, इनमें जो पहला मैच होगा वो राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच आबू धाबी में होगा, जबकि जो आखिरी मैच होगा वो एमआई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आबू धाबी में होगा। तो कुछ इस तरीके से सभी टीमों के दो दो वार्म अप मैचेस 11 से लेकर 15 सितंबर के बीच होने हैं। तो अब हम बात करते हैं आखिर ये मैचेस टीवी पर टेलीकास्ट होंगे या फिर नहीं, स्टार स्पोर्ट्स इन मैचों को टेलीकास्ट करेगा या फिर नहीं। तो अब ये पूरी तरीके से कंफर्म्ड हो चुका है कि स्टार स्पोर्ट्स इन मैचों को टेलीकास्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये वार्म अप मैचेस चल रहे होंगे उस समय स्टार स्पोर्ट्स की पूरी टीम दुबई में क्वारंटाइन होगी। इसी वजह से स्टार स्पोर्ट्स चाहकर भी इन मैचों को टेलीकास्ट नहीं कर पाएगा। आप इन मैचों से जुड़ी जानकारी इन सभी टीमों के इंस्टाग्राम हैंडल्स पर देख सकते हो, वहां पर आपको सभी फोटोज और वीडियोस इजीली मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप मैचों की सभी जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको यहाँ पर भी सारी जानकारियां मिल जाएगी। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आपके अकॉर्डिंग स्टार स्पोर्ट्स को ये मैचेस टेलीकास्ट करने चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम अपने पूरे दोनों वार्म अप मैच यूएई में जीतेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करे लाइक और चैनल को जरूर करे सब्सक्राइब।